लेकिन ईमान वाले विश्वास नहीं हो सकते।
क्योंकि उन्होंने दिल में मोहम्मद की मोहब्बत खालियों बन गए। पता चलिया सिर्फ नमाज़ा नाल बंदा मोमिन नहीं बनता, सिर्फ चुपिया कुबिया नाल मोमिन नहीं बनता, सिर्फ रोज़े रखी दमन दे नाल मोमिन नहीं बनता, सिर्फ इज्तिमा होते अंदर जावन दे नाल मोमिन नहीं बनता। मोमिन ओही होवेगा जिदे दिल दे अंदर सरकार मदीना दी मोहब्बत हो। ताजदार गुलाम रज़ी अल्लाह
बच्चे ने खैसा का नाम सुने आए अखा में चौंचुआ अखा जुआ दिया लड़िया बह गई ने रोंदिया रोंदिया अपने बाप न कहता है अब्बा जी दिल से बड़ा करता है तुम अपन खैसा दसा लेकिन डर लगता है जे तुसा इनकार कर छोड़िया मैं जीदिया जी ही मरदा कायनात होर कुछ नहीं मंगता कोई होर चीज नहीं चाहिए मरण तो पहले एक बार मदीने के ताजदार की ज़ियारत करवा अब्बा जी मरण तो पहले कवारी मदीने तेदाजदार दी ज़ियारत करवा देना बाप नू बड़ा गुस्सा आया है क्योंकि यहूदी दे होया रसूल ना दा दुश्मन दे होया लेकिन बेटे दे हथो मजबूर ना बेटे दे हथो मजबूर टुर के आए हुजूर दे दरबारे हुन सुने कमली वाले दे गुलाम अज मैं भी तुसां वी हुजूर दी मुहब्बत दा दावा करदे आ लेकिन कदी अपने चाचे घर कोई नहीं फिर जाने क्योंकि पता होता है कि उधार लेवन आया होगा सगा बिरा आ जाए अस बच्चे कहने जा चाचे कह अबा घर कोई नहीं क्योंकि पता हो गया कि यह मंगन आया होगा गरीब जो अज रिश्तेदार गरीब हो जाए जनाब साढ़े मूह मुड़ जाते दरवाजे को वापिस लौटा छोड़ते हैं बच्चे कह दिया उन्होंने भी झूठ सुख सिखाते हैं चाचे कह घर कोई नहीं अब्बा कमली वाले के दरवाजे से दुश्मन यहूदी आया है कमली वाले के दरवाजे हुजूर फरमाया बाबा जी कि आना हो सोने मेरिया मजबूरिया लै आई उची बोलिया पता चलिया हुजूर का दरवाजा कि दुश्मन भी मजबूर हो हुजूर दी दरवाजे ते आता है ओनू भी पता है जे मंगना है ते ऐसे दरवाजे तो आके रब तो मंगना है उची बोल सुभान हुजूर ते दरवाजे आ गया है हुजूर तो पिया मंगदा है जनाबे वाला कमली वाले आ सोनिया लजपाला सुनिया तेरे दरवाजे ते कोई खाली वापस नहीं लौटिया मेरे बच्चे दी आखरी आरज़ू में मरण तो पहले तुम वेखना चाहता है आओ मेरे नाल मेरे घर के अंदर कमली वाले फरमाया मेरे गुलामों मेरे सियाबा चलो चलिए हुण तुहाडे यार दी याद कराइए इधर हुजूर टुरे ने इधर बच्चा हुजूर दियां लावां पिया वेखदा है हुजूर दियां उडीकां ला के दिल विच हसरत साजना पे वाला दिल विच रखियां होईयां ने निगाहां मस्जिद नबवी वल कीतियां होईयां ने हथ जोड़ के हुजूर पिया बुलांदा है की पिया कहंदा है खुदा दे वास्ते इक बार अल्लाह करे जरा उच्ची सुभान अल्लाह के अदरा की सोए करनी वाला बाप बचाला खुदा दे वास्ते इक बार और मदीने दे सुल्तान
दो घड़ियां रुक जा तकदीरे, दो घड़ियां रुक जा तकदीरे, मैनू लगियां तोड़े बाहर दे खुद जाने खुद जान हवाले कर दे शान इस जान का मालिक अल्लाह बुलाता है। इधर हुजूर ने जलवा गरीब फरमाई उदे वेड़े के अंदर इधर निगाह पई ना जब चेहरे मुस्तफा थे इंज लगे आजे में जान दी रूह वापिस पलट आई हो। बच्चा उठ बैठा कमली वाले नु वेखिया सोनिया रजपाला दिल ते करदा तुहाडे नाल नमाज़ां पढ़ा रोजे रखा हज करा ज़कात देवा जिहाद ते जावा लेकिन आका मेरी जिंदगी ने साथ नहीं दिता। इक्को सवाल है सोनिया, क्या मैं कलमा पढ़ लवां दिल दे अंदर मोहब्बत तुहाडी है? जी जी बोलो जी बोलो सुभान अल्लाह। दिल दे अंदर मोहब्बत लेके आया वा सोनिया, इस मोहब्बत दे अंदर एक बारी कलमा पढ़ लेवा क्या जन्नत नाल लै जाओ? गया जन्नत नाल लै जाओ। सोने सरकार ने फरमाया बच्चिया कलमा पढ़ना तेरा काम है, रब की इज्जत की कसम है अपनी रहमत नाल तेनु जन्नत लै जाना मुहम्मद है। बच्चे की जुबान ते कलमा जा रही है, उची बोलो सुभान लेके जा रहे हैं। हुजूर दी मोहब्बत लेके जा रहे हैं।
गल सारी हुजूर दी मोहब्बत दी है। इस दुनिया में भी कम आनी जे कि हुजूर दी मोहब्बत कम आनी, कब्र दे अंदर कम आनी ते हुजूर दी मोहब्बत ते यारी कम आनी है, अशर विच कम आना है ते हुजूर दी मोहब्बत ते यारी ने कम आना है। मोहम्मद बूटा गुजराती इन्हें नहीं कह गया, उची बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद बूटा गुजराती ना हजरत अल्लाह ताला ने आप फरमाते ने के जेड़े कहंदे सी मरा ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
टिकट नहीं मिलिया, फ्लाइट नहीं मिली, लेट हो गई, नहीं कहता मैं पहुंच गया सर, मैं मैयत भी चुकी है, जनाजा कहा भी लै गया। मैं क्या फिर जनाजा क्यों नहीं पढ़ सकी, फिर जनाजा की नमाज जनाजा वास्ते नाल गए, मैं ये चुके गए, जनाजा बाद दिन तक गए, जनाजा क्यों नहीं पढ़ सकिया। कहता जी कारी साहब बात ये है कि मेरे वालिद साहब, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे वालिद साहब ने मेरी आला तालीम के लिए, डिग्रियों के लिए अपने गांव की जमीन बेची, घर बेचा, हम शहर आ गए, शहर में पढ़ाया, रेंट पे रहते थे, फिर मुझे अमेरिका भेजा, मैं अमेरिका में डॉक्टर बन गया। मेरे वालिद ने बड़ी तकलीफ की मेरे लिए, मेरी आला तालीम के लिए, लेकिन वालिद ने मुझे कभी दीन नहीं सिखाया। उसका अंजाम क्या हुआ, जब वाले साहब की नमाज जनाजा अदा होने लगी ना, तो कारी साहब ने कहा जी कि नीयत हाजिर करो, उस वक्त मुझे याद आया मुझे तो नमाज जनाजा ही नहीं आता। जरा सोचो इस मजमे के अंदर कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनको अभी तक नमाज जनाजा नहीं आती, कितने ऐसे, किसी का पर्दा नहीं निकालना चाहता, लेकिन हकीकत से आगाह करना मेरा फर्ज है, मुझे आपने इज्जत दी है तो मेरा फर्ज है कि मैं इस हकीकत से पर्दा उठाऊं, ताकि हमें भी कुछ एहसास हो जाए। बाबा जी आज असा बच्चा स्कूल जाता हो ना, तो रात माँ पे दो में असा जनाब को बूट की पालिश करते हैं, उदा सूट पूरा प्रेस करते हैं, टाई प्रेस होती है, उदा बैच स्कूल दा वो ढूंढ के रखते हैं सामने बक्स के अंदर, फिर उदा टिफिन तैयार करके रेडी करके हर चीज राती रेडी करके सोते हैं, ताकि सुबह बच्चा लेट ना हो, फिर उदी डायरी चेक करनी है, डेली होमवर्क चेक करना है, क्लास वर्क चेक करना है, सारा कुछ चेक करना है, ट्यूशन भेजना है, हर चीज चेक होती है। जे नहीं जो पूछा असा कदी थे कदी नमाज के बारे नहीं पूछा, अपने बच्चों की तरह बिजनेसमैन है, तो अपना पूरा बिजनेस अपने बच्चे को सिखा देता है, ताकि मेरे तो बाद मेरा बच्चा हैंडओवर कर ले, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, दुकानदार है दुकान के सौदे के हर हर जनाबे वाला चीज के बारे में दसदा है, पुत्र को बिठा के पुत्र ए दाल है जी, चीनी है जी, पत्ती है जी, सूजी है जी, ठीक है, जमींदार है तो जमीन दे एक एक इंच इंच एक एक मरले के बारे में दसदा है, लेकिन जे नहीं जी कभी ऐसा सिखाया तो अपने पुत्र को दीन नहीं सिखाया। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं खुदा का, अपने बच्चे को कम अज कम उस्तादा को इस नीयत नाल जरूर भेजा करो कि जो मर जावा तो पुत्र जनाजा ते पढ़ सके, कब्र ते खड़ा होके दुआ ते मांग सके ना। एक और मसला आखिरी के बीबियां जांदियां ने कब्रिस्तान, पहली गल ते वे कि शरण इजाजत ही नहीं, औरतां दा कब्रिस्तान जाना शरण नहीं जाए, ठीक है, लेकिन अगर जांदियां भी ने, तुसीं दरबार शरीफ कोरला शरीफ ते चले जाओ ना, उत्थे दरबार ते स्पेशल जहां पासे तख्तियां लगियां होईयां ने, औरतों और बच्चों का मजार के इहाते में दाखिल होना मना है, ठीक है, अगर तुसा कब्रिस्तान चले जाने हो ते औरत दी आवाज भी औरत ही है, ठीक है, औरत दी आवाज भी औरत ही है, उस वास्ते भी पर्दा वे आवाज वास्ते भी कोई गैर मारन ना सुन सके, उच्चा रोना फोतगी वाले दिन या मैयत दे उते रोना, हर बंदे हुजूर दे लखते जगर आप दा इंतकाल हो ना, कि हुजूर रोए, हुजूर दिया अखा नम होइया, जैसे आप पूछा कमली वाले तुसी भी रोंदे हो, हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं रोण तो मना नहीं किया, रोण नाल बंदे दा दिल नरम होंदा है, अल्लाह दी कुर्बत नसीब होंदी है, जेड़ा नोहा करना है ना, वैर करना है जिन्हों तुसी कहंदे आ ओ हराम है, वो ना किया करो। अल्लाह तबारक व तआला समझने दी अमल दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह तआला भाई मोहम्मद एहसान साहब उन्हां दी वालिदा मददा अल्लाह तआला उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमावे, और इन सारे भाइयों नूं अल्लाह तआला सबर अता फरमावे। अल्लाह मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमा के
اللہ مرحومہ دے درجات نوں بلندیاں عطا فرماوے۔ آخر دعوانا۔